आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गूगल क्रोम पर अगर कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो इसको कैसे शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं तो उसे शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर जो भी डाउनलोड किए होंगे वह शो करेगा। तो यहाँ पर हम दो चीज़ डाउनलोड किए हुए हैं, तो इसको यहाँ से हम दो तरीका से आपको शेयर करके बताएंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही शेयर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप शेयर कहूँ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, कहूँ पर इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। फिर अब दूसरा तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आपको फिर यह शेयर करना हो तो इस पर जैसे ही लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक शेयर का आइकॉन मिल जाएगा। तो इस पर जैसे ही शेयर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप भी शेयर कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप नया वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।